इनको तो आजाद कर देना ही है। लो तेरा जरा ना मोए मोए और डर्ड हो जाता है। नहीं नहीं है नहीं नहीं हाँ सही है। अब बच्चे ना कीज के थोड़ा कर दे। नहीं बच्चों का हाथ नहीं जाएगा इधर तक। तो ये भाई अभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे। पैसे आप कल ले लेना। ठीक है भाई, कल ले लेना। नहीं आपने भी लाइटें लगानी है ना, वो फिर कर लेंगे। हमने लाइट लाइटें लगानी है ना, लाइटें ये देखो भाभी ना बताती तो आपने तो ऑरेंज चढ़ा दी थी। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एंड द व्लॉग। क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं? कैसी तबीयत है? खुशबाश हैं, राजी बाजी हैं, फिट फाट? आपका भाई भी किचम टैट फिट फाट खुशबाश राजी बाजी है। गराज साफ सुथरा कर दिया है क्योंकि इधर जो सामान था वो उठा दिया हमने। तो अब शादी के दिन करीब आ गए हैं और एक दो दिन बाद शादी, दो दिन तक शादी स्टार्ट हो जानी है, तो इसलिए सारी सफाई आज तकरीबन हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो अपने ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले करना क्या है कि आप लोगों ने जो अपने इस अंगूठे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है और इतना ज़्यादा करना है कि हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए जल्दी से जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इससे होगा क्या कि चैनल पे जो भी नया ब्लॉग अपडेट होगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक ईजीली पहुँच सकेगी और आप लोग हमारा ब्लॉग देख सकेंगे और इंटरटेन हो सकेंगे और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो इसी तरह बढ़ती जाएगी। और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो करें। तो चले अभी अंदर चलते हैं जाके करना क्या। सीन ये है कि जो गर्मी है ना, मेहंदी की जो शुरुआत है ना वो हो गई है। उसमें यह है कि जो कुछ चीज़ें लेके आए थे कि सजाना है घर में, क्या क्या करना है ये तो जाके देखते हैं क्या करने लगे। हाँ जी, आप क्या बोल रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, आप मुझे बताओ ना। है आप बताओ ना, आप क्या कर रहे हो? अंदर से सबके साथ डेकोरेशन जो करनी है वो नहीं कर रहे आप जाके? कर रहा हूं। क्या कर रहे हो आप? तो बाहर आ गए मेरे पास है? मैं डेकोरेशन करके बाहर आ गया। क्या आपने किया डेकोरेशन पहले मुझे बताओ है? मैंने पहले वो स्टेज पे किया। स्टेज पे किया? चलो अंदर चलते हैं जाके, मामू भी आपके साथ करते हैं। क्या डेकोरेशन हो रही है जाके देखते हैं। ठीक है चलो जी, चलो जी। किधर हो रही है डेकोरेशन बताओ मुझे, बताओ हम मुझे किधर डेकोरेशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। ये देखो जी, ओए होए 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 होए, क्या कर रही हो आप? इधर हो जरा, वो आप अकेली आई हैं? अंकल के साथ। अच्छा अंकल क्या कर रहे हैं अंदर? अंकल वो कैबिनेट लगा रहे हैं नीचे, नीचे है। अच्छा नीचे है, ये जी अभी ये सीढ़ियों में लगाना शुरू की है इन लोगों ने। चलो काम करो, चुप करके काम कर। बच गए मतलब मेरे को, कल होया ही बुरा कोई नहीं। तुम मामू को तंग कर रहे हो हैं? तो ये अलग अलग कर रहे हो सारा? तुमने बीच में मिक्स कर दी, मैंने खोल के रखी है इधर नीचे। अच्छा वो नीचे खुली हुई पड़ी है सारी, येलो येलो तो ये खुली हुई है ना, देखो ये नीचे देखो ना, ये जो पड़ी है ये येलो पूरे का पूरा ले गया, मुझे उतार के देते जाओ येलो। ये ठीक है,
लो जी इसको ले जाओ पर बस खोल करके पकड़ाते जाओ। ये मैंने वैसे भी लग की हुई है। सही लगाना आप आ जाओ। अच्छा आप कुछ नहीं जी आप लाओ मैं सिर्फ आप लोगों को देखूंगा लगाते हुए। एक मिनट मुझे नीचे किचन में चलते हैं क्या लग रहे हैं। अच्छा तो ये कैबिनेट लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तो क्या हाल है ठीक ठाक है। कैबिनेट वगैरह जो है सारे लग रहे हैं। अच्छा इधर से बहुत यहाँ से निकाल है ये सारे कैबिनेट जो है वो भी आज जो है मुकम्मल हो जाएंगे। यार ये हमारा काम ही है तेरे साथ जो मोए मोए हुआ ना तू बस उसका मजा ले। मैं दुकान से सारे कपड़े उठा के इसके हाथ लगा मैं कर भी एक कपड़ा नहीं पकड़ा मोटरसाइकिल में बैठा है कपड़े पकड़ के जा रहा है कपड़े पकड़े। हाँ शर्म आ गई है शर्म आ गई है। ये जी अभी माशाल्लाह सारा कुछ तकरीबन ऑलमोस्ट अभी इधर हमने तैयार करना है फिर उसके बाद नीचे वाला पोर्शन अभी पहले सारा ये होगा और इधर से ये भी सारी चीजें ये इधर पड़नी है। और तुम क्या कर रही हो हैं तो हम ऊपर स्टेज बनाएंगे ना उसके लिए लगाएंगे बाकी जो होता है वो तो अभी तैयार हो रहा है तुझे बस मैं मजा आ रहा है। इब्राहिम क्या हुआ है मजा आया मजा आया ठीक है तू बस काम कर तुझे काम करने लगाया हुआ हमने नौकरी का तो कितने आज ठंड बहुत काफी है तो माशाल्लाह जी काफी ज्यादा कंप्लीट हो गया। ऊपर से तो हो गया कंप्लीट अब इधर से रह गया बस ही हम कंप्लीट करेंगे तो नीचे वाले पोर्शन पे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कंप्लीट हो रही है। तुम लोगों को क्या लगता है वो नीचे उस तरह लगाएगा मैं भी नहीं बैठा हुआ था मुझे पता है वो बस होती होनी मेहनत हो गई डिजाइन चेंज हो जाएगा नीचे कुछ और ऊपर से कुछ और भी सोच रही हूँ वो वाला तो नीचे वो दो शापर पड़े तीसरा वो तो बनाना है ना जो क्या नाम है स्टेज बनाना है ना बैक साइड स्टेज की बैक साइड पे वो लगानी है वो वाला वही कह रहा हूँ वो स्टेज के वो जो दो है वो यूज कर लो ना इधर सारी तो अभी ये नीचे भी पड़ी हुई है वो भी है तो ये नीचे तक हो जाएगा सारा कम्प्लीट इधर माशाल्लाह जी बेहतरीन बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा नबील तू मुझे बहुत प्यारा लग रहा है आज कसम से बहुत प्यारा बहुत प्यारा लग रहा है आज इतना इनोसेंट लग रहा ना हाँ भाई अल्लाह भाई की शादी है अभी तो कुछ कुछ और है जो आम आदमी मिला तो है मतलब तेरे कुछ कुछ मार बहुत कुछ हो रही है कुछ किस वाले ना लो रहे एक एक व्लॉग बनाया है व्लॉग बेटा ये बाद में बैठ के हमने देखने हैं शादी की मेमोरीज होंगी हमारी वो जैसे असद की शादी के बाद वो अब्दुरी मम्मी तक देखता है वो उन्होंने और कई काम नहीं टीवी लगा लिया तो असद की शादी के व्लॉग सारे देख रहे हैं उन्होंने ये लो और ये डिजाइन सही रहा है नीचे तक ना इजी और आराम से आलिया के साथ ही आएगी तेल हाँ, तेल वाले भी है वो बेचारी उसको वो छुट्टी नहीं मिल रही ना तो अब वो तेल से एक दिन पहले ही आएंगे मेरे आगे के तेल वाले दिन आएंगे तेल वाले दिन आलिया इनको साथ साथ कर दो ना ये लो तेरा जरा ना मोए मोए और डर्ड हो जाता नहीं नहीं है नहीं देले नबीला मैं करने लग पड़ो अपना तो कहीं छी बात है पता नहीं सरे इस तरह ना करे धागे को ज्यादा पेट से लगा देते ना कवर कर दें
वो नीचे से ना सीढ़ी ले जा वो क्या बना दिए हाँ ये नीचे लगा लेंगे हाँ ठीक है हाँ सही है बच्चे ना खींच के थोड़ा कर दें नहीं बच्चों का हाथ नहीं जाएगा इधर तक तैयब भाई अभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे कल मिलेंगे पैसे आप कल ले लेना नहीं आपने भी लाइटें लगानी है ना वो फिर कर लेंगे हमने लाइट लाइटें लगानी है ना लाइटें ये देखो भाभी ना बताती तो आपने तो ऑरेंज डा दी थी कोई हाल नहीं सही है भैया आपका अभी देख फायदा हो गया ना इधर रखने में नहीं नहीं अगर भाभी ना बता दी आपने ऑरेंज अंबर भाभी ने मुझे किसे बताया अंबर भाभी ने ही बताया हाँ जी कोई रिकॉर्ड नहीं है अंबर भाभी ने ही बताया ये अंक मैंने एडवांस में रखी थी भाई नहीं जी इंसल्ट नहीं हो रही कुछ नहीं होता माशाल्लाह जी ऊपर वाला जो फ्लोर है वो सारा रेडी हो गया और अभी जो है ना हम थक थक गए हैं ठीक है ये देखो जी इधर भी थोड़ी बहुत लगाई है जिधर जिधर लगता है तो ये इधर से ऐसे शुरू हो जाओ ये सारा इना किया मैंने भी साथ थोड़ा बहुत किया ठीक है ये सारा ये देखें माशाल्लाह ये सारा बड़ा बेहतरीन हो गया तो ये भी सारा ये अब जो बच गया वो नीचे वाले पोर्शन में लगाएंगे अभी अंबर इधर इसको कारियर डिकोर फिर एक ये सामने भी हमने बनाया तो अभी ये सारा थ्रू आउट नीचे तक सारा ऐसे ही लगा है अभी बस ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया नीचे वाले मेरी तो बस हो गया मैं अभी आगे कंटिन्यू ये लोग करते हैं करते हैं और मैं जो ब्लॉग को ना यहाँ पर करने रहा हूँ एंड अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया जो डेकोरेशन हमने की है तेल मेहंदी के लिए दो दिन बाद तेल मेहंदी है तो इसलिए टाइम से सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि एंड ऑफ द डे हम रिलैक्स होकर सिर्फ जो फंक्शन है उसको मैनेज कर सकें तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा जो ये शादी सीजन है ये खूब इंजॉय कर रहे हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ तब तक दें मुझे इजाज़त अल्लाह के बाद अल्लाह हाफिज़